प्लेंटर वादा के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम ले आए हैं आपके लिए एक आईटीपी का न्यू टेस्टिमोनियल, जिसमें हमारे पेशेंट आईटीपी की जो बीमारी से वो बिल्कुल क्योर हो चुके हैं, उनके प्लेटलेट्स काउंट अभी स्टेबल हैं, वो ठीक हैं अभी। तो हम उनसे जानेंगे कि कैसी आईटीपी के साथ उनकी जर्नी रही, कैसे उन्होंने इससे छुटकारा पाया, क्या क्या उन्होंने जो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस की, कहाँ कहाँ उन्होंने पहले मेडिसिन ली, क्या क्या उन्हें परेशानियाँ रही, और अंत में उन्होंने आयुर्वेद मेडिसिन से हल इसका कैसे प्राप्त किया। तो नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, ये आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम विक्रम खेलवाड़े है और मैं डिस्ट्रिक्ट देहरादून के विकास नगर से बिलोंग करता हूँ। वहीं पे छोटा सा गांव है जस्सो वाला, वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो जो आईटीपी की जो डिसीज है वो किस को थी आपके परिवार में से? मेरे बेटे को थी, जिसकी एज लगभग 11 साल है। ओके, तो एक दिन ऐसे ही खेलते समय शाम के टाइम घर पे आया तो उसके लिप्स पे कुछ स्पॉट्स से मेरे को दिखाई दिए। ओके, तो हमने सोचा कि भाई, क्योंकि सर्दियों का टाइम था नवंबर का, कि भाई वो सूख जाते हैं और तो शायद उसने उसको थोड़ा सा खा लिया होगा तो उसकी वजह से ब्लड जम गया है। लेकिन जैसे अब रात में हम सो गए, सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि उसके पूरे लेग्स पे स्पॉट्स आ गए और लिप्स पे और ये पैचेस बढ़ गए हैं। हल्का सा कहीं कुछ गम ब्लीडिंग का भी शिकायत मेरे को दिखाई दी। फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उनको देखा तो डॉक्टर ने बोला कि लोकल में गया विकास नगर, उन्होंने कहा कि आप ना इनका ब्लड सैंपल करा लीजिए टेस्ट। तो मैं जैसे ही वहाँ गया ब्लड सैंपल देने के लिए तो लैब में लैब वालों ने ब्लड सैंपल लेने के लिए मना कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई उस समय तक ब्लड ब्लीडिंग गम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी एक घंटे के अंदर अंदर, और उससे पहले जब ये प्रॉब्लम हुई है उसको कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होके था। तब डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी कि इसको कहीं हायर उसमें लेके जाइए आप। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर मैं इनको लेके गया इमीडिएटली जोली ग्रांट, हमारे यहाँ पे जोली ग्रांट हॉस्पिटल है। ओके, वहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी में एडमिट किया तो टेस्ट वगैरह हुए, तो टेस्ट में आईटीपी का उन्होंने जिक्र किया और उस समय उनकी प्लेटलेट्स 1000 तक पहुँच गई थी। 1000 ओनली, जस्ट 1000? हाँ जी, सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर। ओके, तो 1000 तो कुछ भी नहीं होती, बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, IVIG के इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन बहुत महंगे, 15,000 रुपये का एक इंजेक्शन आता है। एक दिन में 8-8 इंजेक्शन लग रहे थे, बड़ी दिक्कत हुई उस समय। और धीरे धीरे उसको क्या, 2-3 दिन वहाँ पर आओ, उसको यूरिन ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। ओके, मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोगों ने आज छोड़ दी थी कि भाई पता नहीं क्या होगा। ICU में बच्चा एडमिट था, उन्होंने ICU में 2 दिन रखने के बाद ICU से रेफर कर दिया एम्स ऋषिकेश को। ओके, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लेके जाऊँगा कहीं पर। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप लेके जाओ, हम आपको सलाह दे रहे हैं, अब ऐसे में मरता क्या ना करता। तो उन्होंने हमने सलाह ली, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे 3 दिन ना सेम वही इलाज चलता रहा, IVIG के इंजेक्शन लगते रहे, कुछ और ट्रीटमेंट किया, तो वहाँ से धीरे 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 वो क्योर होना शुरू हो गया। तो उसकी प्लेटलेट्स 40,000 तक पहुँच गई 3 दिन के अंदर, जबकि जोली ग्रांट में उसको प्लेटलेट्स भी चढ़ाई गई, ब्लड भी चढ़ाया गया। फिर हम लोग वहाँ से, जब वो हो गया उनको 40,000 प्लेटलेट्स गई, तो उन्होंने थोड़ा देखा अभी वो स्टेबल है 40,000, तो उन्होंने छुट्टी कर दी, डिस्चार्ज कर दिया बच्चे कितने को। कितने दिन उन्होंने रखा आपके बच्चे को? 4 दिन वहाँ पे रहा है जोली ग्रांट में और 5 दिन रहा है उसमें एम्स में। ओके, तो दोनों हॉस्पिटल में मैं आपका कितना खर्चा हो गया था उस टाइम पे? खर्चा तो अब काउंट क्या करते हैं, अभी देख लिया आप, 70-80 हज़ार रुपये का तो इंजेक्शन लगे। ओके, बाकी का क्या खर्चा था वो एक अलग है। फिर उन्होंने स्टेरॉइड चल रहे थे घर के लिए दिया, 1 महीने के लिए वो ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, वो चला, धीरे धीरे उन्होंने कम किए स्टेरॉइड। तो लेकिन उन्होंने बोला था कि हर 3rd दिन एक दिन छोड़ के इसका ब्लड टेस्ट कराना है प्लेटलेट्स के लिए। तो मैं करता रहा तो वो थोड़ा सा और नीचे को चले गए। ओके, तो मैं फटाफट फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा आपको किसने कहा ज़्यादा मत इसको टेस्ट कराओ, ये अगर 20,000 तक भी जाता है वहाँ तक भी रहता है। मैंने ऐसा 20,000 तो कुछ भी नहीं होता। इसी बीच में हम लोग परेशान तो थे ही, तो हम सर्च कर रहे थे भी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो वाइफ को प्लेनेट आयुर्वेदा के बारे में कहीं जैसे यूट्यूब में डॉक्टर साहब का इंटरव्यू एक मिला। ओके, तब हमारे मामा जी रहते हैं यहीं पे चंडीगढ़ में, तो हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर साहब से आके। तब से हमारा आयुर्वेदिक दिसंबर 2021 से यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है। ओके, उस टाइम पे जब आप यहाँ पे आए पहले दिन, तो आपके बच्चे के प्लेटलेट्स काउंट कितने थे?
जब हम यहाँ पे आए प्लेटलेट्स काउंट उस समय लगभग 60,000 के आसपास थे। ओके 60,000 जी। तो डॉक्टर साहब से जब आप मिले तो उन्होंने बोला था कुछ भी कैसे ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर साहब ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, पूरी तरह क्योर हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कुछ डाइट्स फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ जूसेस हैं, वो पूरा डाइट चार्ट है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। वो हॉस्पिटल्स की तरह इन्होंने तो इंजेक्शन के लिए कोई कुछ नहीं, इन्होंने कहा तो ये तो कुछ नहीं है, इसको ये तो जो होना था वो तो पीछे हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल क्योर हो जाएगा बच्चा, और डाइट्स मेनली डाइट्स फॉलो करनी है आपको। ओके, क्या क्या डाइट फॉलो प्लान थे उनमें से? इसमें से एक तो जैसे तीखी चीज़ें जैसे मिर्च हो गई, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, ये सब बिल्कुल बंद कर देनी है। नमक नॉर्मल खाना है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ये तो पूरी तरीके से बंद। ओके हाँ जी। लेकिन देसी गाय के घी का एक चम्मच खा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ओके, और इसमें से चलते चलते आपको और भी क्या डाइट प्लान थे जो सुबह से लेके शाम तक आप बच्चे को देते थे? सुबह के टाइम पे कुछ जूसेस वगैरह बताए थे, कुछ लीफ्स हैं आयुर्वेदिक जो घर में नॉर्मली सबको सबके यहाँ मिलती हैं, तो उन लीफ्स के एक्सट्रैक्ट निकाल के जूस सुबह के टाइम ग्रीन, फिर दिन में नॉर्मली खाना जो भी है, उसके बाद शाम को रेड जूस, ये दो। रेड जूस में क्या क्या? रेड जूस में चुकंदर हो गया और गाजर हो गई, अनार हो गए, ये सब इस तरीके की, और रात यही डालता था बस शाम के टाइम। रात के टाइम में जो नॉर्मल खाना खाते हैं वही खाते थे। ओके, तो कितने टाइम बाद आपको बच्चे को और रिलीफ मिलने लगा था प्लांट आयुर्वेदा की मेडिसिन से? एक महीने के बाद धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया था। तो उसमें से जो आपके पहले स्टीरॉयड चल रहे थे तो वो कंटिन्यू रहे थे? ना 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 ना, वो स्टीरॉयड जब वहाँ का कोर्स कम्प्लीट हो गया उसी के बाद में यहाँ पे आया था। ओके, तो मतलब कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के चलते आपने कोई स्टेरॉइड यूज नहीं किया, कोई बाहरला इंजेक्शन यूज नहीं किया, कुछ जो नेचुरल हर्ब से ही आपके बच्चे के प्लेटलेट्स काउंट जो बढ़ते गए। जी जी। तो अभी आपके उस बच्चे के प्लेटलेट्स काउंट कितने हैं? फिलहाल मेरे बच्चे के प्लेटलेट जो है 258,000 है। 258,000। हाँ जी। तो उसमें अभी जो उनके सिम्टम्स तो आते थे जो, वो अभी कैसे हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एक स्वस्थ, जैसे एक स्वस्थ इंसान होता है, बिल्कुल सेम वैसे खेलता है कूदता है, बिल्कुल ओके है। तो अभी उसकी हेल्थ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं मेडिसिन के साथ साथ? हेल्थ में तो ये है कि देखो, क्योंकि बड़ी बीमारी थी जहाँ तक मैं समझता हूँ, थोड़ी सी वीकनेस है फिलहाल, लेकिन वैसे ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ठीक है। ओके, तो आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं कि जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं आपके, जैसे आप इंजेक्शन में इतने रुपए खर्च कर दिए, वैसे भी बहुत लोग हैं आजकल जिन्हें आयुर्वेद का पता नहीं है तो वो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे आयुर्वेद के बारे में या प्लांट आयुर्वेदा के बारे में? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, देखिए एलोपैथिक ठीक है, इमीजिएटली आपको कुछ डिजीज ऐसे है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आपको इमीजिएटली उसमें कुछ करना होता तो आपको एलोपैथिक में जाना ही पड़ेगा, जाते हैं। नहीं तो अगर आपको पूरी तरीके से स्वस्थ होना है, पूरी तरीके से ठीक होना है, तो टाइम ज़रूर लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आयुर्वेद से अच्छा कुछ नहीं है। और रही प्लेनेट आयुर्वेदा की बात, तो अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है, मेरा बच्चा ठीक होगा। ITP लाखों में किसी एक बंदे को होती है, जैसे वहाँ उन्होंने बोला था कि भैया आप इसको देखते रहिए बच्चे को, और कभी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो फिर से लेके आ जाइए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आयुर्वेद का ही है, सब प्लेनेट आयुर्वेदा की वजह से है। अभी आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, प्लेनेट प्लेटलेट काउंट्स जो हैं वो स्टेबल हैं। जी जी, बिल्कुल क्योर्ड है। जी सर, चलो बहुत शुक्रिया। आप अपने बच्चे का अभी डाइट प्लान जो है वो थोड़ा ठीक रखिए, उसका खान पीन जो है वो ठीक रखिएगा कि आगे भी वो स्वस्थ जिंदगी जिए। जी जी। तो अभी आपके जो मेडिसिन उसकी चलाई हुई थी वो डॉक्टर साहब ने उन्हें कंटिन्यू करने के लिए बोला या बंद करने? डॉक्टर साहब ने अभी बंद करने के लिए बोला, सिर्फ 1 मंथ के लिए, जैसे पहले दिन में 2 बार लेनी होती थी, अभी एक टाइम के लिए बोला और 1 मंथ में वो भी सब बंद। ओके, मतलब कि आप अभी मेडिसिन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपके बच्चे को? ना, आगे मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके व्यूज़ शेयर करने के लिए। तो हमारी ये वीडियोस का जो मोटिव वो यही रहता है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो हैं वो हैं, तो वो उनका इलाज उन्हें ना तो मिल पा रहा है और ना ही उन्हें ये चीज़ें बताई जाती है कि ये चीज़ें क्यों होती हैं और इनका इलाज आयुर्वेद में कैसे होता है। तो यही वीडियोस के ज़रिए हम आपसे यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो बीमारियां आप सोचते हो कि ठीक नहीं हो सकती,
तो वही हम रियल टेस्टिमोनियल के ज़रिए आपके तक पहुंचाते हैं कि ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। आयुर्वेद में वो सब चीज़ों का इलाज है जो एलोपैथी में नहीं है। अगर आप भी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं तो इन सब लोगों तक कीजिए जिन्हों इनकी ज़रूरत है, और जो भी परिवार पैसे लगा के थक हार चुके हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ, ताजो उन्हें भी पता चल सके कि आयुर्वेद की शक्ति क्या है, आयुर्वेद क्या क्या बीमारियां ठीक कर सकता है। आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगी। जैसे ITP हम आपको बता देना चाहते हैं कि ITP जो इसमें अपनी इम्यूनिटी होती है वो अपने ही सेल खुद डैमेज करने लग जाती है, जिसका वैसे कोई इलाज नहीं होता है एलोपैथी में। एलोपैथी में बस आपको प्लेटलेट्स जो हैं चढ़ा दिए जाएंगे, इंजेक्शन के ज़रिए आपके प्लेटलेट्स काउंट बढ़ा दिए जाएंगे, पर एंड ऑफ द डे वो फिर कम होते जाएंगे क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ठीक काम नहीं कर रही है। तो यही चीज़ आयुर्वेद में है, आयुर्वेद उस इम्यूनिटी को समझा देता है कि उसने काम कैसे करना है। तो ये बीमारियाँ इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है जितनी इन्हें बनाया दिया जाता है। आयुर्वेद के सामने ये चीज़ें सिर्फ आपके शरीर को लेके ही ठीक की जाती हैं, जड़ से इसका इलाज किया जाएगा। आप आयुर्वेद को अपनाएं और दूसरों को भी आयुर्वेद को अपनाने के लिए राय दें। शुक्रिया, नमस्कार। हम कब से वेट कर रहे हैं यार तेरा। आई कांट कम यार, पार्टीज के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है। प्लीज इस बार नो एक्सक्यूज। एक सलूशन है, कम पार्टी विद मी। कहां? एक नए प्लैनेट पे। खाओगे या घबराओगे? कम विद मी। कहां? एक नए प्लैनेट पे। तुझसे ना हो पाएगा बेटा। प्रॉब्लम बेली फैट नहीं है, प्रॉब्लम फैटी लिवर है। कम विद मी। कहां? एक नए प्लैनेट पे। Oh God, Rohit, not again. Hi. कब तक सहोगे ये पेन? Follow me. But कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। Welcome to Planet Ayurveda. Yakrit Lihantak Churna is a perfect Ayurvedic supplement that takes care of all your liver issues. It's an all-rounder health product for every age group. Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements. Yakrit Lihantak Churn, now available in small packs of 75 grams also. Delivered worldwide.